नमस्कार दोस्तों, कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि जब हम होम लोन लेने जाते हैं बैंक में तो बैंक हमसे प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगता है। आखिर प्रॉपर्टी के ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो बैंक अपने पास गिरवी रखता है, तो इसके बारे में कई लोगों की क्यूरियोसिटी होती है। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ क्या गिरवी रखता है उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, कोई भी ज़मीन होती है, या तो उसका ज़मीन का पट्टा आपके पास होता है, या आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो DDA है, जयपुर में रहते हैं तो JDA है। ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये लीज़ भी इशू करती हैं, पट्टा भी इशू करती हैं और रजिस्ट्री भी। तो एक तरीके से कहना ये है कि आपकी जो भी ज़मीन है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकता है नगर पालिका हो सकता हो आपकी पंचायत हो, उसकी सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में रजिस्ट्री होना ज़रूरी है अगर आपको लोन चाहिए, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो हो सकता है दूसरी जो NBFCs हैं वो बिना रजिस्ट्री के, बिना कम डॉक्यूमेंट्स के भी आपका लोन कर दें, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉपर रजिस्ट्री और पूरे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इम्पैनल एडवोकेट होता है, जो एक शहर में काफ़ी सारे इम्पैनल एडवोकेट्स होते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली SBI इम्पैनल करता है। एडवोकेट जब भी आप लोन लेने जाते हैं ब्रांच के अंदर, आप बोलते हैं आपको होम लोन चाहिए, तो ब्रांच मैनेजर आपको कहता है ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और सर्च रिपोर्ट निकलवा लें। वैल्यूएशन वैल्यूअर निकालेगा, सर्च रिपोर्ट TIR जिसको कहा जाता है, टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो बैंक का इम्पैनल एडवोकेट लगा करता है, जो कि ब्रांच मैनेजर अपने सुविधा के अनुसार किसी को भी नियुक्त कर सकता है। उस व्यक्ति का काम ये होता है एडवोकेट का, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, वहाँ से वो पिछले 30 साल की जितनी भी आपकी जो भी रिकॉर्ड है वो वहाँ से निकलवाता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ताकि उसको ये पता चल जाता है कि पिछले 30 सालों में कितनी टाइटल डीड एक्सक्यूट हुई है, कितनी पावर ऑफ अटॉर्नी लगी है, या क्या है अभी कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं है। एक तरीके से बैंक ये जानना चाहता है कि प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, टाइटल्स क्लियर हैं। अब बात करते हैं कि जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, जब भी आपका लोन सेंक्शन हो जाता है बैंक आपको लिस्ट दे देता है, ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप ले आइए। तो वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, जनरली जो टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वकील देता है वो उसी के अंदर वाली लिस्ट होती है, जिसके अंदर देखिए ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, मतलब जितनी बार भी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है और जो सेल्स एग्रीमेंट हुआ है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में देने हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल जो लेटेस्ट हो वो देना है, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद जो हर साल कटती है वो देना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपके जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे दिल्ली की JDA, दिल्ली की DDA, जयपुर की JDA, तो वहाँ से आपको NOC लेनी होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। म्यूटेशन लेटर, अगर यदि आपकी प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है तो म्यूटेशन लेटर इश्यू होता है, जिसके अंदर आप जितनी भी जो यूटिलिटीज़ होती है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं। प्रीवियस जितनी भी टाइटल डीड्स हैं वो सब चाहिए होती है। विलेज की प्रॉपर्टी बैंक मॉर्गेज नहीं रखता, ना उस पर वो लोन देता है, क्योंकि उसकी ना रजिस्ट्री होती है, और जनरली विलेज की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो एग्रीकल्चर लैंड में आती है। हाँ, अगर किसी विलेज में पंचायत ने रजिस्ट्री करी हो, पंचायत में का पट्टा इशू हुआ है और उसकी रजिस्ट्री हुई है, तो उस पर लोन मिल जाता है। दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स है, कोई केस चल रहा है, तो बैंक नहीं रखेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।